बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 9.7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स दो तरह के होते हैं जी, एक कार्टीजियन एक पोलर। पहले हम कार्टीजियन क्वाड्रेंट। द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स, भाई द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ऑर्थोगोनल द परपेंडिकुलर, ट्रैजेक्टरीज का मतलब कर्व, भाई परपेंडिकुलर कर्व ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स। ये हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व, इनके ऊपर परपेंडिकुलर कर्व्स है। इज द सेकेंड फैमिली ऑफ कर्व्स फाई एक्स वाई के इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे है एफ एक्स वाई सी, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के है। सच दैट एट ईच पॉइंट ऑफ वेयर कर्व्स फ्रॉम द टू फैमिलीज इंटरसेक्ट दे आर ऑर्थोगोनल। भाई कहता है कि अगर दो कर्व्स इंटरसेक्ट करें और उनके दरमियान एंगल ऑर्थोगोनल हो, परपेंडिकुलर हो, तो भाई वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कराएंगे। The orthogonal trajectories of a family of the curve f x y c is equal to 0 is a second family of curve phi x y k is equal to 0 such that at each point where the curves from the two families intersect they are orthogonal. Agar do curves ke darmiyan angle 90 ho to wo orthogonal trajectories karayenge. Method kya hai? Let द गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज एफ एक्स वाई एंड सी इज इक्वल टू जीरो, इसको वन कह रहे हैं। टू एलिमिनेट सी डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स बराबर है फाई एक्स वाई। भाई आपने सी को ख़त्म करना है, एक दफ़ा डिफरेंशिएट करके वी गेट दिस सी। देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होगी? भाई राइट को उठा के उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। भाई राइट को उठा के रेसिप्रोकल लेकर उसकी साइन चेंज कर देंगे। Solution of this differential equation gives the required family of orthogonal trajectories of the given family of the curves. By solution, इसको जब हल करेंगे ना, solution of this differential equation gives the required family of orthogonal trajectories of given family of curves. Now we have orthogonal trajectories in polar form, in polar coordinate system. Orthogonal trajectories in polar coordinate system. Let if f r comma theta comma c is equal to 0 represents a given one parameter family of curve in a plane region R and in a plane region and capital F r theta and k is equal to 0, a required one parameter family of curves such that at every point PR theta in R of a curve of F intersects a curve of F at angle 90 degree. अगर दोनों curves के दरमियान angle 90 degree के बनेगा, then the curve F and small f called orthogonal trajectories of small f in R. भाई देन द फैमिली देन द कर्व्स एफ आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ एफ स्मॉल एफ इन आर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 9.7 फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कर्व ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज 1 to 16। पहले है एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। भाई एक्स स्केयर मनफी वाई स्केयर इज इक्वल टू सी। आपने क्या करना है? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, इसके ऊपर जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है ना उसकी कर्व निकालनी है। ये गिवन है जी, आपने इसके ऊपर ये ऑर्थोगोनल फैमिली इसलिए सी की जगह पे 1, 2, 3, 4 रखें तो मुख्तलिफ कर्व बनाएगी जी। भाई सी इज़ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, सी को 1, 2, 3, 4, 5 जो मर्जी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग कर्व की शक्ल चेंज होती जाएगी, तो ये फैमिली ऑफ कर्व पड़ेगी। इसको वन कह दें। इट कंटेन वन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन टाइम, इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करें। डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा एक्स होगा। अगर इसमें से सी गायब हो जाए
अगर नहीं गायब होगा तो फिर इन दोनों की मदद से हमने सी गायब करना, बरअल सी गायब हो गया। ये इसकी प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड गिवन फैमिलीज। भैया विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली, ये गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, जिसके अंदर डेरिवेटिव होगा उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होता है कि इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं होता है। सो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की निकालना, तो क्या करना, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन भाई, स्लोप चेंज हो जाएगी ना, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन। वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस वाई ओवर एक्स भाई। ये देखें, ये जो है ना, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली भाई, ये गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होगा, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन। नो प्लीज सेपरेट वेरिएबल डी वाई के करीब वाई डी एक्स भाई, इसके बाद इसको इंटीग्रेट करें, इसका लॉग ऑफ वाई आएगा, इसका मान इसकी लॉग ऑफ एक्स आएगा जी। तो भाई जन लॉग ऑफ वाई बराबर होगा मान फिर लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ के, तो वी हैव लॉग ऑफ वाई बराबर लॉग ऑफ के ओवर एक्स, तो भाई वाई बराबर होगा के ओवर एक्स। इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स वाई इक्वल के इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ये रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। क्वेश्चन नंबर टू, एक्स इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर, इसको वन कह दें भाई, इसके अंदर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट सी है, इट कंटेन वन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, टू एलिमिनेट दिस वी डिफरेंशिएट दिस इक्वल वन टाइम, सो वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन इज इक्वल टू सी वाई डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स होगा वन ओवर टू सी वाई भाई। यहाँ से अभी तक हमारा सी गायब नहीं हुआ, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, वन ओवर टू वाई इंटू डी एक्स ओवर डी वाई, इसको भाई पुट इन वन कर दो, सी की जा दो, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन वन, वी हैव एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू वाई डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको भाई जन सिंप्लीफाई करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा वाई ओवर टू एक्स भाई। ये प्योर विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली, ये गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन है भैया। विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसके, गिवन फैमिली की, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना, तो भैया रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन भाई, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन। नो वी सेपरेट वेरिएबल एंड इंटीग्रेट, वी हैव वाई स्क्वायर बाय टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सम कॉन्स्टेंट के डैश भाई, के लगा लो, डी लगा लो, कोई कॉन्स्टेंट लगा लो जी, अदर देन सी जी। नो मल्टीप्लाई विथ टू, टू के डैश को आप के कह दो, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्केयर प्लस के इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू सी एक्स, दिस इज वन, इट कंटेन वन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, टू एलिमिनेट दिस वी डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी, पुट इन वन भैया, इसको वन में दर्ज कर दो, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स, सी की जहाँ पे यू पुट टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स भैया, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे डी वाई बाई डी एक्स होगा वाई स्क्वायर मन फी एक्स ओवर टू एक्स वाई। ये भैया डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन फैमिली की, विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन फैमिली भैया, विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन फैमिली। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना, तो भाई क्या करो, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन, वी हैव टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर मन फी वाई स्क्वायर भाई, ये होमोजीनियस, इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हल करना हमारी दर्द सर है, इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हमेशा पुट वाई बराबर वी एक्स की डी वाई बाई डी एक्स का गाड़ी फर्स्ट एज डायरेक्ट सेकेंड प्लस सेकेंड, तो मेरा ख्याल इसको आप खुद कर सकते हो भाई, इसको आप खुद कर सकते हो, होमोजीनियस है, इसको हमने पहले भी इस तरह के कई क्वेश्चन 9.2 में पढ़े, 9.3 में पढ़े। नो प्लीज इसको आपने सेल्फ कंप्लीट करना है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाई बराबर है ई की पावर सी एक्स, इसको वन कह दें, इट कंटेन वन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, सो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा सी ई की पावर सी एक्स। नाउ आपने ई की पावर सी एक्स में वाई पुट कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा सी वाई जी। अब भाई जन, अब यहाँ से सी क्या निकलेगा, वन ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो भाई इसको आप सी को भैया आपने गायब करना है,
तो वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड फ्रॉम वन सी एक्स पहले लॉग ई वन हो जाएगा तो वी है लॉग ई वन तो वी हैव एल एन वाई इज इक्वल टू सी एक्स वी हैव सी एक्स सी की वैल्यू भेजना हमारे पास कह दी वन ओवर वाई या यहाँ से सी निकलेगा वन ओवर एक्स लॉग ऑफ वाई दोनों को कंपेयर करो दोनों की लेफ्ट इक्वल दोनों की राइट भी इक्वल होगी वी हैव वन ओवर वाई डी वाई डी एक्स बराबर है वन ओवर एक्स इंटू एल एन वाई नो प्लीज़ भाई जिनका करें सेपरेट वेरिएबल करने भाई विच इज ये डी वाई बी एक्स की तरफ होगा तो ये वाई एल एन वाई इज ओवर एक्स विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ये गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्शन निकालना हो तो क्या करें भाई रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइंस नो सेपरेट वेरिएबल वी हैव वाई एल एन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स नो प्लीज इंटीग्रेट भाई लॉग वाई फर्स्ट और वाई सेकेंड भाई फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेट इन डायरेक्टली फर्स्ट ये भाई क्या होगा माइनस एक्स के रूट टू प्लस के डैश कर दें प्लस क्या कर लें भाई के डैश नाउ भाई इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर ओवर फोर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस के डैश नो मल्टीप्लाई बाय टू जी वी हैव वाई स्क्वायर एल एन वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर टू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू के डैश अब भाई जन थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करें आप वाई स्क्वायर बाहर निकाल लें टू एल एन वाई माइनस वन ओवर बाई टू जी एलसीएम ले लेना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू के डैश को के कह दें भाई मजीद सिंप्लीफाई करें वाई स्क्वायर एल एन वाई का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू के तो भैया टू बाहर निकाल लो अंदर क्या होगा कि ये माइनस एक्स स्क्वायर नहीं ये भैया हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी की कर्व है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाई बराबर है एक्स माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स इसको वन कह दें इट कंटेन वन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट सी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बी एक्स होगा वन प्लस माइनस सी इक्वल माइनस एक्स इसको दो कर दें अब अपना सी का ऐप करना तो एडिंग वन टू कर दें वी हैव वाई डी वाई बी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्योर एक्स आ गया और वाई आ गया नो डी वाई बी एक्स बराबर होगा एक्स माइनस वाई विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी इज भाई क्या करें रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज कर देंगे भाई रेसिप्रोकल लेके राइट की रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज कर देंगे तो भैया ये क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी नाउ इसको भैया आपने हल करना है रेसिप्रोकल लिया तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मान गई डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई तो इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ई की पावर इंटीग्रल एक्स के साथ क्या वन वन इंटू डी वाई तो इक्वल वाई आएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर भैया थ्री को आपने मल्टीप्लाई करना विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जी भजन मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री जी विच इज ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यह आएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जी भाई जो आंसर निकलेगा उसके साथ एक्स लगा दें और डी लगा दें राइट पे बकायदा तरफ दें अब भैया इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल डी कैंसिल सिंपल एक्स सी की पावर वाई जी यहाँ पे बाई पार्ट्स फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट जी भाई ई की पावर वाई का इंटीग्रल ई की पावर वाई होगा जी नो वी हैव दिस इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी सिर्फ ये करना है उसने सी दिया हुआ था आपने सी के अलावा कोई और कॉन्स्टेंट के यूज़ करना है नो क्वेश्चन नंबर सिक्स वी हैव एक्स वाई इज इक्वल टू सी इसको वन कह दें इट कंटेन वन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट सो वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई ओवर एक्स विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी क्या होगा भाई रेसिप्रोकल चेंज द साइन भाई सेपरेट वेरिएबल कर लें डी वाई के करीब वाई डी एक्स एक्स नो प्लीज इंटीग्रेट वी हैव वाई स्क्वायर ओवर टू इज इक्वल एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस सम कॉन्स्टेंट के डैश भाई टू से मल्टीप्लाई कर दें टू से क्या करें मल्टीप्लाई जी भाई जन वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस टू के डैश टू के डैश को आप के कह दें तो भैया वाई स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर इज इक्वल के भाई सेवन क्वेश्चन
x is equal to y square over 4 plus c over y square is equal to 1 cap. It contains one arbitrary constant c. We eliminate this, we differentiate with respect to x 1 times. With respect to x, करेंगे तो भाई 1 आएगा, 2y dy by dx, 2y over 4 dy by dx. आगे क्या कहा भाई, माइनस 2c over y cube dy by dx. भाईजन c गैप करना है तो आप जरा देखें dy by dx कॉमन निकाल लें. अब जरा देखिएगा भाईजन आपने क्या किया जी, c की आपके पास गिवन में से वैल्यू निकाल लें भाई, गिवन में से c की वैल्यू निकाल लें, वो है वाई स्केयर इंटू एक्स मनफी वाई स्केयर ओवर 4. भाईजन इसको सिंप्लीफाई करें, कैंसिलेशन करने के बाद इकट्ठा करेंगे तो वी हैव 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स भैया वाई मनफी 2x ओवर वाई. नो प्लीज़ टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई. वी हैव डी वाई बाई एक्स बाय वाई ओवर वाई स्केयर मनफी 2x, विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली. ये भैया डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, गिवन फैमिली की. एंड सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी किस तरह निकलेगी भाई, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन. भाई रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन. नो वी हैव 2x मनफी वाई, अलग अलग तकसीम कर दें मनफी वाई. तो भाई इसको इधर तरफ दे दें, इधर लेंगे प्लस वाई. तो भैया ये वाई के ऊपर माइनस वन है, तो यार ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन थी भैया, बर्नौलीज आपका कर रहे भैया, इस वाई नॉट से दोनों तरफ डिवाइड कर दो भाई, इसको इसको वाई नॉट से डिवाइड कर दो जी, या वाई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जैसे वाई गायब करना है आपने भैया, आपने इसको मल्टीप्लाई बाय वाई किया जी. भैया मल्टीप्लाई बाय वाई किया जी, जी तो भाई क्या होगा, वाई डी वाई बाई एक्स प्लस वाई स्केयर इजिकल टू एक्स. अब भाई जन देखें, अब इसको सिंप्लीफाई करना मल्टीप्लाई बोथ साइड टू जी, तो वी हैव टू वाई डी वाई बाई एक्स प्लस टू वाई स्केयर इजिकल फोर है भाई, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं ना. नाउ पुट वाई स्केयर इजिकल टू वी, तो भैया डी टू वाई डी वाई बाई एक्स इजिकल टू डी वी बाई एक्स, तो भैया वी हैव डी वाई बाई एक्स प्लस टू इंटू वी इजिकल टू फोर एक्स. भैया ये इसको आपको नाम दे दें टू, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भाई, इधर डी वी है तो इधर वी है, इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा इक्वल इंटीग्रल टू इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स आएगा. ये फिक्र लिखेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन टू विद इंटीग्रेटिव फैक्टर, वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भाई, जो भी आंसर निकलेगा उसके साथ वी लगा दो और डी लगा दो और राइट पे भैया बकायदा जरूर. नाउ इंटीग्रल बोथ साइड, इंटीग्रल डी कैंसिल, इसको भैया डायरेक्ट में अंदर टू टू, तो भैया आप टू फोर को तोड़कर टू इंटू टू कर लो. नो बाई पार्ट्स फार्मूला, फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट बस. नाउ अगेन मल्टीप्लाई अंदर, तो भैया इसका डायरेक्ट मौजूद है इक्वल टू एक्स है प्लस हम कॉन्स्टेंट के लगा रहे हैं. अब भैया वी किसके बराबर है, वाई स्केयर, तो वाई स्केयर एक तरफ बाकी इक्वल टू एक्स डिवाइड कर दें. तो इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी भाई. क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज इक्वल एक्स वन फी सी का होल स्केयर, वाई इज इक्वल एक्स वन फी सी का होल स्केयर. भाई इट कंटेन वन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, सो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई एक्स बराबर टू इंटू एक्स माइनस सी जी, तो आपने इसकी जगह पे अंडर रूट पुट कर दिया. इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन. नो प्लीज सेपरेट वेरिएबल इंटीग्रेट, वी हैव वाई थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट के वन. अब इसको भाई आपने सिंपलफाई करना तो सी से मल्टीप्लाई ताकि बड़ा गायब हो जाए. नाउ आप जब देखें भैया हमारे पास यहाँ से थ्री बाहर निकाल लें भैया, आप क्या प्लस माइनस स्क्वेयरिंग बहुत से कर लें ताकि ये टू गायब हो जाए. तो वी हैव 16 वाई क्यूब इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स प्लस के का होल स्क्वेयर. तो भाई जन आप देखें 16 वाई क्यूब इज इक्वल टू 9, आगे भैया के मनफी एक्स का होल स्क्वेयर कर दें. इज द इक्वेजन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी भाई, इज द इक्वेजन ऑफ रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी भाई, ये रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की मसावात है जी. क्वेश्चन नंबर 11, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा भाई. नो वी आर यूजिंग पोलर फॉर्म्स, वी आर यूजिंग पोलर फॉर्म्स. तो भैया जिसमें आर और थीटा होगा उसको पोलर फॉर्म बोलते हैं. अब इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकाल लें, दोनों तरफ लॉग ले देंगे. डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ओवर आर डीआर बाय थीटा, इसका आएगा लॉग की वजह से 1 ओवर 1 प्लस साइन का कॉस. तो भाई आर डी थीटा बाई डी आर बराबर होगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भाई. यहाँ पे आपने, वहाँ पे हम बनाते थे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आपने बनाना है आर डी थीटा बाई डी आर भाई जन, आर डी थीटा बाई डी आर. ये प्लेन कर्व टू, प्लेन कर्व वन के अंदर भैया कैलकुलस में ये चीज़ अवेलेबल है. तो
तो फिलहाल आप याद रखें यहाँ पे हमने बनाना आर डी थीटा बाई डी आर, आर डी थीटा बाई डी आर बनेगा तो भैया ये प्योर थीटा होना चाहिए, इसमें आर बी डी कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली। अब भैया सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट निकालना तो रेसिप्रोकल चाहिए ना सेंस भाई, रेसिप्रोकल चाहिए ना सेंस, नो सेपरेट वेरिएबल, वन प्लस साइन ओवर कॉस इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी आर ओवर आर, नो भैया इंटीग्रेट कर लो जी, नो भैया क्या कर लो जी इंटीग्रेट, तो भैया डी आर ओवर आर माइनस सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। अब भैया सिकेंड का होता है लॉग ऑफ सिकेंड प्लस टेन और टेन का होता लॉग ऑफ सिकेंड, इसको सेट करोगे तो भैया प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस लॉग ऑफ के कॉन्स्टेंट यूज कर लो, तो भैया वी हैव लॉग ऑफ आर इज इक्वल लॉग के थीटा ओवर सिकेंड थीटा प्लस टेन, भाई लॉग को उड़ा दे तो आर बराबर होगा जी, भाई आर बराबर होगा जी, तो आर बराबर होगा के कॉस का थीटा, कॉस थीटा का स्केयर ओवर वन प्लस साइन थीटा, इसकी जहाँ पर वन मनफी साइन स्क्वायर थीटा, दो जोड़े बनेंगे वन प्लस साइन वन मनफी साइन, कटिंग करने के बाद आर इज इक्वल के इंटू वन मनफी साइन थीटा, विच इज़ रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट। भैया ये रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट है, भजन दादा देखें इसमें बिल्कुल वो वहाँ पर हम बनाते थे डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हम बनाएंगे आर डी थीटा बाई डी आर। नो क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव आर स्क्वायर इज इक्वल ए आगे साइन टू थीटा, इसको वन कह दें, ए इज ऑलरेडी कॉन्स्टेंट, दोनों तरफ लॉग लिया जी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा टू इंटू वन ओवर आर डी आर बाई थीटा, वन ओवर साइन टू थीटा अगर टू कॉस टू थीटा, भाई कटिंग करने के बाद वी हैव कॉट टू थीटा, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टेन रूट थीटा। अब भैया इसमें प्योर आपका जो है ना वो थीटा होना चाहिए, वो एक गायब हो गया जी, विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली की, विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली की, एंड भैया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट निकालने तो रेसिप्रोकल चाहिए ना साइन, नाउ वी हैव कॉस टू थीटा ओवर साइन थीटा, प्लीज सेपरेट वेरिएबल कर लीजिए भैया, डी थीटा के थीटे वाली और डी आर के आर वाली, नाउ इंटीग्रेट, भाई इसका डेरिवेटिव बनता है माइनस टू साइन थीटा, तो भैया माइनस दो से डिवाइड माइनस दो से मल्टीप्लाई जो, तो भैया जन ये क्या होगा जी, प्लीज़ ये वन बाई टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ टू थीटा प्लस लॉग ऑफ के कॉन्स्टेंट, भाई लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाई, नॉन लॉग को उड़ा दो जी, आर बराबर होगा के इंटू अंडर रूट के अंदर कॉस के थीटा टू थीटा जी, जी तो भाई जनता देखिएगा जी, तो भाई जनता देखिएगा आर इज इक्वल के जेजर के अंदर क्या होगा भैया, कॉस टू थीटा का जेजर जी, स्केयर करेगा तो भाई आर स्केयर बराबर होगा के इंटू कॉस ऑफ टू थीटा, इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट, इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट। नो क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव आर की पावर एन इज इक्वल ए की पावर एन एंड कॉस ऑफ एन थीटा जी, भाई ए एन गायब करना, आर की पावर एन इज इक्वल ए की पावर एन कॉस ऑफ एन थीटा, इसको वन कह दीजिए भाई, दोनों तरफ लॉग लिया जी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब भैया रेसिप्रोकल ले लेंगे जी, तो आर डी थीटा बाई डी आर का माइनस कॉस ऑफ एन थीटा ओवर साइन ऑफ एन थीटा, भैया ये क्या है इसमें वो ए नहीं आ रहा है, विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट निकालने तो भैया राइट का रेसिप्रोकल चेंज है समझ, नाउ सेपरेट वेरिएबल कर लेंगे, नाउ इंटीग्रेट करें तो भैया वन ओवर आर डी आर का लॉग ऑफ आर जी, इसका भैया ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो भैया क्या करें लॉग ऑफ नीचे प्लस लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट, भैया वन ओवर एन को भैया आपने एज ए पावर बना दिया, तो लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएं लॉग को उड़ा दो जी, तो भैया आर बराबर होगा के आगे साइन एन थीटा की पावर वन ओवर एन जी, जी भाई जन देखें कि मुश्किल कोई नहीं है, वंस अगेन आई रिपीट, आर इज इक्वल ए ओवर टू प्लस कॉज ऑफ थीटा जी, भाई लॉग लिया डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नॉट टेकिंग रेसिप्रोकल, वी हैव आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू टू प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट्री का निकालना रेसिप्रोकल चेंज है सेंस, तो भैया क्या होगा जी, प्लीज नो प्लीज सेपरेट वेरिएबल डी आर के करीब आर वाली और डी थीटा के थीटा वाली, नो भाई इंटीग्रेट करो जी, तो भैया ये बनेगा माइनस टू बाहर, इसका लॉग ऑफ आ रहेगा माइनस टू बाहर एंड कोसेकेंड थीटा डी थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, तो भैया कोसेकेंड का होगा लॉग ऑफ कोसेकेंड माइनस कॉट और कॉट का होगा भैया लॉग ऑफ साइन जी प्लस लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट, भैया लॉग को उड़ा दो जी, तो आर किसके बराबर होगा के साइन थीटा ओवर वन मनफी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो भैया वी
have r is equal to k sine theta over 1 minus cos theta whole square is the required family of orthogonal trajectory. Is the required family of orthogonal trajectory. Bismillahirrahmanirrahim. A family of curves whose family of orthogonal trajectory is same as the given family is called self-orthogonal. ये definition है जी self-orthogonal की. हमने show करना है show that y square is equal to 4cx plus 4c square is self-orthogonal. आपने साबित करना है ये self-orthogonal है, इसको one कह दें. It contains one arbitrary constant differentiate with respect to x. आप इसको differentiate with respect to x कहेंगे 2y dy by dx बराबर 4c. भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो y dy by dx बराबर होगा 2c. इसको put in one करते हैं भाई, आप put in one क्योंकि c का आप करना है. तो वी हैव वाई स्केयर इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर. भाई पुट इन वन करेंगे ना, जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ क्या पुट करोगे नहीं, जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ ये पुट कर दो. नाउ वी हैव ये वाली आ जाएगी, इसको थोड़ा सा इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स. भाई इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली वन. भजन देखो ना, जहाँ पे 2c लिखा हो वहाँ पे लिखोगे y dy by dx. तो अब 1 में से देखो ना 2 बाहर निकाल रहे हैं, 2c की जगह पे पुट करोगे y dy by dx into x और इसको 2c का होल स्केयर कर लो तो भाई क्या गाल, उसकी जगह y dy by dx का होल स्केयरिंग. इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली फैमिली वन. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना हो तो क्या होगा जी, आपने रिप्लेस करना है dy by dx by माइनस dx ओवर dy. भाई डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आपने क्या पुट करना है, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इन वन जी. भाई इन टू जी सॉरी टू में पुट करें. अच्छा भाई जाना थोड़ा सा देखें, इसको मैंने हल किया तो मेरे पास यह आया जी. भाई इसको मैंने हल किया तो मेरे पास यह आया, ये गिवन कर्व थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मान के थी. अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करूँगा तो ये आएगा जी. भाई देखो ना, ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इधर से मैं इधर पहुँचूँ, इधर से मैं इधर आऊँगा. अब भैया ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किसी की, इस वन की थी. और भैया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी एक्स ओवर डी वाई. तो वी हैव वाई इज इक्वल टू भैया वी हैव वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस डी एक्स ओवर डी वाई प्लस वाई माइनस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर. नाउ भाई जनता देखिएगा आपके पास ये चीज़ आ जाएगी मल्टीप्लाई विद डी वाई बाई डी एक्स के होल के साथ. तो भाई मल्टीप्लाई करके वी कर दीजिए y dy by dx का होल स्केयर माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई. भाई देखना आपने इसको मल्टीप्लाई किया बाई डी वाई बाई डी एक्स के होल स्केयर के साथ, वी गेट वी हैव दिस शेप. भाई जान इसको अरेंज करेंगे ना, इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा जी, प्लीज इसको भाई जान अरेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर विच इज़ सेम एज टू. भाई ये वही है जैसा टू बन गया जी, और इसको हल करेंगे तो भैया वो गिवन आ जाएगी जी. तो हेंस वी कैन से दैट ये जो गिवन कर्व है वो सेल्फ ऑर्थोगोनल है. प्रूव दैट द फैमिली ऑफ द कॉनफोकल कॉनिक्स इज सेल्फ ऑर्थोगोनल. आपने साबित करना है ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है. तो क्या करेंगे भैया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स भाई सी गैप करना जी. भाई सी गैप करना है तो भाई डिफरेंशियल वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव टू एक्स ओवर सी स्केयर टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. भाई जन हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा माइनस सी स्केयर माइनस वन ओवर भैया सी स्केयर इंटू एक्स ओवर वाई. नाउ अलग अलग ऐड कर दें. भाई जनता देखें हमारा सी गायब नहीं हुआ जी, हमारा सी गायब नहीं हुआ जी. आपने यहाँ से वन ओवर सी स्केयर की वैल्यू निकलेगी वन प्लस वाई ओवर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. एलसीएम ले लेंगे तो भाई क्या कहा, वन ओवर सी स्केयर बराबर होगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर एक्स. तो भाई जब रेसिप्रोकल होगा तो सी स्केयर बराबर होगा एक्स ओवर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. भाई आपने सी गायब करना है, आपने क्या करना है जी सी, तो वही आप सी स्केयर बराबर एक्स ओवर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. नो वी हैव सी स्केयर माइनस वन एक्स ओवर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन. नो प्लीज़ इसके एलसीएम ले लें तो भैया क्या, कटिंग करने के बाद आएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. अब भाई जन रेसिप्रोकल ले लें जी, रेसिप्रोकल लेंगे तो वन ओवर सी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वन ओवर सी स्क्वायर एंड वन ओवर सी स्क्वायर माइनस वन इन वन वी गेट
भैया वी सी, ये आएगा एक्स स्क्वायर, आगे आएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई एक्स ओवर एक्स माइनस वाई स्क्वायर, आगे आएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई एक्स ओवर बाई जिनका का वाई डी वाई बाई एक्स इक्वल टू वन। नाउ आप जब देखें भाई थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा तामन करें भैया, यहाँ से एक्स उड़ा दें, इधर से भाई जनाब देखें वाई को उड़ा दें, वी ऑफ दिस। अब भाई जन क्या करें, आपने डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी। तो भाई इधर देखें, वी हैव एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। नाउ भाई जन आप इसका करो ना, इसको अरेंज करो तो एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस भाई जन एक्स स्क्वायर मल्टी वाई स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको टू कह देना, इसको भाई जन क्या कह दें टू कह दें। विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन, ये वन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भैया वन की क्या जी डिफरेंशियल इक्वेशन है। भाई वन को मैंने हल किया ना तो हमारे पास ये आ गई, ये वन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्ट निकालना तो रिप्लेस क्या करना डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी एक्स, भाई जहाँ जहाँ डी वाई है वहाँ क्या पुट कर दें माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, भाई जन जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर क्या पुट कर दें माइनस डी एक्स ओवर डी वाई जी, भजन जहाँ जहाँ डी वाई वहाँ क्या पुट कर दें माइनस डी एक्स ओवर डी वाई जी। तो देयर फॉर टू इज एक्स वाई माइनस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मंथ वाई स्क्वायर मंथ वन इंटू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो जी। जी वी एक्स डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मंथ वाई स्क्वायर मंथ वन डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। नाउ मल्टीप्लाई विद डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर मंथ वाई स्क्वायर मंथ वन आगे डी वाई बाई डी एक्स मंथ एक्स वाई आगे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। भाई माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा जी, एक्स वाई आगे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मंथ वाई स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, इसको थ्री कह दें। इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी, भाई ये ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंस टू एंड थ्री आर आइडेंटिकल, भाई टू और थ्री आइडेंटिकल है, सो गिवन फैमिली इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, लिहाजा भाई जन गिवन फैमिली का होगी सेल्फ ऑर्थोगोनल, भाई जन गिवन फैमिली का होगी सेल्फ ऑर्थोगोनल।